गुजरात हिमाचल में कमर खिलाने के बाद अब बीजेपी जीत से गदगद है और इसी जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जहां सांसदों और नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों और कार्यकर्ताओं को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मिली जीत से अति आत्मविश्वास में नहीं आने की नसीहत दी। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने गुजरात चुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि गुजरात विधानसभा में भले ही भाजपा की सीटें कम हुई हों, लेकिन उसका मत प्रतिशत बढ़ा है। इससे पता चलता है कि राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ा है। करीब एक घंटे से ज्यादा चली इस बैठक के बारे में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया कि पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ने के बाद भी सीटों की संख्या कम होने के कारणों की समीक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 1984 में बीजेपी की दो सीटों से लेकर यहां तक के सफर का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इससे पहले सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ था कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है 18 राज्यों में भी उसकी सरकार है। अब बीजेपी की सरकार 19 राज्यों में बन चुकी है, लेकिन ये हमारे लिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, हमें और काफी कुछ हासिल करना है। इसके साथ ही बैठक में पीएम ने सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में अधिकतम उपस्थिति के साथ भाग लेने का भी निर्देश दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।